अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन प्रोग्राम क्राइम वॉच में आपको खुशामदीद कहते हैं और हमेशा की तरह इसी दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि परवरदिगार हमें सच कहने और सच सुनने की तौफीक अता फरमा। आज भी जुर्म की बहुत सी कहानी और मुजरमों के अंजाम लेकर आए हैं, लेकिन आज जो पहली कहानी है, जो पहली स्टोरी हम कर रहे हैं, वो कश्मीर से मुतल्लिक है। आलमी अकवाम का ज़मीर कहाँ गया, क्यों कर ये ज़मीर मुर्दा हो चुका है, कश्मीर के आवाम पर क्या बीत रही है, इन तमाम तरह इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। फिर हमें जज स्कैंडल के ऊपर भी बात करनी है और हमजा शहबाज से जेल के अंदर तहकीकात की इजाज़त मिल गई है। इसके अलावा रावलपिंडी के अंदर होने वाले मुबैना कत्ल की भी बात करेंगे और ऑरेंज लाइन ट्रेन के हवाले से भी बात करेंगे, जिसका आज इफ्तिताह हो चुका है। आगाज करते हैं प्रोग्राम का और बात करते हैं कश्मीर की। आज मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की पामालियों को 70 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। ये पामालियां रुकने का नाम नहीं ले रही और आलमी इदारे इस सूरत हाल पर एक बेहिस तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। अगर इन पामालियों की मौजूदा तारीख देखी जाए तो उसको भी 128 दिन गुजर चुके हैं। मोदी कसाब ने मकबूजा कश्मीर के आवाम पर अरसा हयात तंग कर रखा है। अकवामे आलम से कश्मीरियों के राबते मुनकता हैं, लेकिन सलाम है उन माओं को, बहनों को, बेटियों को और जवानों को जो इन कठिन हालात में भी आज़ादी की शमा जलाए हुए हैं। कश्मीर में भारत की फिरौनियत और चंगेजियत और वहां दोहराई जाने वाले जुल्म की दास्तानें न सिर्फ आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी बल्कि खुद भारत के आईन में इंसानी हकूक के तहफ्फुज़ के लिए बनाए गए कवानीन की भी नफी है। अक़वामे मुत्तहिदा का इंसानी हकूक कमीशन मकबूजा जम्मू कश्मीर भारत के दौरे के ऊपर गया और वहां पर उन्होंने इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के बारे में रिपोर्ट भी थी। इनकी रिपोर्ट जरूर आती है, लेकिन अमल होता हुआ नजर नहीं आता। भारत मकबूजा कश्मीर में ऐसे मुजालिम कर रहा है जिसकी नज़ीर पूरी इंसानी तारीख में नहीं मिलती। भारत कश्मीरियों को जुल्म व जबर का निशाना बनाकर उन्हें गुलामी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर रहा है, जिसे कश्मीरी किसी सूरत कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है साबिक वजीर खारजा सरदार आसिफ अहमद अली, उनसे जान लेते हैं कि क्या पाकिस्तान हुकूमत की कोशिशें इस हवाले से सही सिमत में जा रही हैं। सरदार साहब, वेलकम टू द शो। सरदार साहब, आज अकवामे मुत्तहिदा इंसानी हकूक का आलमी दिन मना रहा है, दूसरी जानिब 70 साल से मकबूजा कश्मीर के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। यहां पर कमी पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से है या फिर अकवामे आलम का जमीर सो गया है? नहीं, देखिए बात यह है कि दुनिया की जो सूरत हाल है, कोई ना कोई आइडियोलॉजी है, ना कोई असूल है, ना कोई इंसाफ है। ये तो दुनिया इसी तरह चल रही है, सिलेक्टिव हर चीज़ है। और ह्यूमन राइट्स की भी बात होती है तो उन्हें हांगकांग नज़र आ जाता है, क्योंकि वहाँ उन्होंने कोई मकासद हासिल करने हैं चीन के खिलाफ। और उनको ईरान नज़र आ जाता है, जहाँ उन्होंने इस्लामी जो इनकलाबी हुकूमत है उसको अमेरिका ने गिराने का तहिया कर रखा है, तो वहाँ उनको नजर आ जाते हैं। मगर कश्मीर में क्योंकि वो हिंदुस्तान के साथ तजारती माहदे हैं, हिंदुस्तान बहुत बड़ी मंडी है, वहाँ बड़े मुनाफे मिलते हैं, तो इसलिए वो हिंदुस्तान को हुकूमत कुछ कहने को तैयार नहीं है या कुछ करने को तैयार नहीं है। वो अमेरिकन कांग्रेस में वो करारदाद पास हो चुकी है, अमेरिकन कांग्रेस में दो चार रोज पहले कांग्रेस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक करारदाद पास हो गई है ह्यूमन राइट्स के हवाले से कश्मीर में। इसी तरह अकवामे मुत्तहिदा में भी एक थर्ड कमेटी जो ह्यूमन राइट्स कमेटी है, वहाँ भी एक करारदाद पास हो चुकी है। और अमलन वहाँ मौके पे ग्राउंड पे कुछ ऐसी तब्दील नजर नहीं आ रही। और मैं ये सब कुछ कहने के बाद एक बात जरूर अर्ज करना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें आधे मिनट के लिए। जी जी, फरमाइए फरमाइए। मेरे नुक्ते नजर से हिंदुस्तान कश्मीर का मुकदमा हार चुका है। अब उस हिंदुस्तान के पास कोई सियासी या कोई इक्तसादी या कोई अखलाकी जवाब नहीं रहा दुनिया को पेश करने का, या ये कह के वो बात टाल नहीं सकता कि पाकिस्तान दहशत गर्दी करवा रहा है या दहशत गर्दी हो रही है। अब दुनिया को नजर आ रहा है कि वो हिंदुस्तान का झूठ था, और दरअसल दहशत गर्दी तो वहाँ
ہندوستان کی جو فوجیں ہیں وہ کر رہی ہیں, ریاستی دہشت گردی ہے. اور جس دن کرفیو وہاں اٹھا اس دن جیسے پرائم منسٹر نے دنیا کو خبردار کیا تھا اپنی تقریر میں اقوام متحدہ میں کہ جس دن کشمیر سے اب کرفیو اٹھایا جائے گا تو ہندوستان اور دنیا یہ چیز نوٹ کرے کہ وہاں اتنا احتجاج ہوگا اور پھر ہندوستان اس پہ ریئیکٹ کرے گا اور اس کو طاقت کے استعمال سے کچلنے کی کوشش کرے گا اور ایک خونریزی لڑ بات ہونے کا بھی خطرہ ہے. یہ سب خطرات موجود ہیں اور میں سمجھتا ہوں وقت جن سے ہے وہ ہندوستان کا نہیں رہا ہے, وہ بات ہندوستان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے اور وہ کشمیر کا ہر لحاظ سے مقدمہ ہار چکا ہے. وہ مقدمہ ہار چکا ہے اور جنگ لڑ رہے ہیں کشمیری. پاکستان کہاں پر نظر آتا ہے؟ کیا ہماری ریاست کی خارجہ پالیسی درست سمت کے اندر جا رہی ہے؟ جن ممالک کے ساتھ ہمیں ملنا چاہیے, جن کے سامنے ہمیں اپنا مقدمہ پلیڈ کرنا چاہیے, کیا ہم اسے پراپر انداز کے اندر پلیڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں محنت تو ضرور ہو رہی ہے مگر جو محنت ہونی چاہیے, دیکھیں اب جب عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ کو خطاب کیا اس سے ایک بہت بڑا افیکٹ ہوا اور ایک اسپیس خلا پاکستان کو مل گئی, ایک اسپیس ملا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہاں ہم بڑی تیزی سے کام کرتے, ساری دنیا میں نکلتے اور اتنا ایفرٹ کرتے اور دنیا کے ہر کونے سے کشمیر کی آواز آتی. ایسا تو نہیں مجھے نظر آ رہا ہوتا, کاش کہ ایسا ہو اور میں یہ توقع رکھوں گا اپنی حکومت سے کیونکہ میری پارٹی اس وقت پاور میں ہے کہ وہ اب توجہ دیں اور وزیر خارجہ صاحب قابل انسان ہیں وہ بھی توجہ دیں اور جہاں پارلیمنٹیرینس کو بھیجنے کی ضرورت ہے وہاں پارلیمنٹیرینس جائیں, جہاں افسروں کی ضرورت ہے وہاں افسر جائیں, سفارتکار جائیں, اور جہاں منسٹر کو بھیجنے کی ضرورت ہے منسٹر کے وفود جائیں. بڑے بڑے وفود بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک دو دو آدمی سردار صاحب یہ وہ کام ہے جو ہمیں کافی دیر پہلے کر لینا چاہیے تھا. آج 128 دن گزر چکے ہیں, ان لوگوں کے پاس نہ ادویات ہیں, بین الاقوامی ممالک کے ساتھ ان کا رابطہ منقطع ہے, بچے اسکول جانے سے گریزہ ہیں کیونکہ کرفیو لگا ہوا ہے. اب اقوام متحدہ کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اقوام متحدہ اگر اپنا کردار ادا نہیں کر رہی تو کیا ریاست پاکستان کو اس اقوام متحدہ میں رہنا چاہیے یا وہاں سے کوئٹ کر لینا چاہیے ہمیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ اقوام متحدہ میں کشمیر کے بارے میں جو قراردادوں کو پڑھیں اور ان کی تاریخ کو آپ اس کا مطالعہ کریں اور اس کا جائزہ لیں تو بات ایک بات سمجھ آتی ہے جو سامنے کھل کے آتی ہے کہ جب وہ قراردادیں پاس کی جس سے پاکستان نے بھی اتفاق سے رائے کیا تو وہ ان اقوام متحدہ کے چیپٹر 6 کے تحت وہ قراردادیں پاس ہوئیں, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم پہ واجب ہیں مگر انفورسبل نہیں ہے. اقوام متحدہ کو وہ جا کے وہاں ان کو انفورس نہیں کر سکتا. اگر چیپٹر 7 کے تحت وہ سب کچھ ہوتا اقوام متحدہ کے چارٹر کے میں تو پھر اقوام متحدہ کی ڈائریکٹ ذمہ داری ہوتی, رسپانسبلٹی ہوتی کہ وہ اس کو انفورس کرائیں. اب وہ لازمی ہے مگر انفورسبل بائی یونائٹیڈ نیشنز نہیں ہے, مگر کہیں وہ جو ہونا تھا ہو گیا. اب ہمیں کوشش کرنی ہے, اس وقت آئرن از ہاٹ اینڈ وی مسٹ اسٹرائک, وی آر ناٹ اسٹرائکنگ انف. اسٹرائک تو ہم کر رہے ہیں, لوہے کو کوٹ رہے ہیں ہم, مگر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ سردار آصف احمد علی, بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے ہمیں بتایا کہ اس وقت کشمیر کا مقدمہ پاکستان کی ریاست کس انداز کے اندر لڑ رہی ہے. وہ ریاست جو یہ کہتی ہے کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے, اپنی شاہراہ کے مقدمے کو لڑنے کے لیے جس قوت اور توانائی کی ضرورت ہے شاید ریاست پاکستان کی جانب سے وہ قوت دکھائی نہیں جا رہی. ہمارے ساتھ اس وقت جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ان سے جان لیتے ہیں کہ کیا پاکستان اپنا مقدمہ کشمیریوں کا مقدمہ درست انداز میں لڑ رہا ہے. جنرل صاحب ویلکم ٹو دا شو. جی ویلکم.
जनरल साहब, जिस अंदाज के अंदर पाकिस्तान को कश्मीरियों का मुकदमा लड़ना चाहिए था, क्या हम उस अंदाज के अंदर लड़ रहे हैं? और अगर लड़ रहे हैं तो 128 दिन के कर्फ्यू के बावजूद उन लोगों को रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा? क्यों ये कर्फ्यू उठाया नहीं गया? क्यों अक्वामे आलम की आवाज, रियासत पाकिस्तान की आवाज के साथ नहीं मिल रही? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान की हर हुकूमत ने अपने तौर पर अपनी मजबूरियों के बावजूद कश्मीर काज के लिए काम करते रहे हैं। लेकिन आप ये ठीक कहते हैं कि और बहुत कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन अगर कश्मीरियों की आवाज सुनी नहीं जा रही ना, तो इसमें कसूर पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानी हुकूमतों का नहीं है। इसके अंदर एक एफर्ट जो बैनुल अक्वामी सतह के ऊपर खाबीदा जमीर हैं, जो बड़ी ताकतों के, जिनके अपने इंटरेस्ट हैं इंडिया के साथ, जो बड़ी मार्केट देखना चाहते हैं, जिनको ह्यूमन राइट्स का कोई ख्याल नहीं है, जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर को बलाए ताक रखते हैं, ये वो कुवते हैं जो कि अपने तौर के ऊपर जहां उनकी मर्जी हो, मसलन ईस्ट तैमूर में, मसलन सदरन सूडान के अंदर, मसलन इसराइल की मदद करने के लिए जहां उनको चाहिए वो करते हैं, लेकिन जहां उनको ये समझे कि ये उनके मफाद के हक में नहीं जाता, वहां दे टर्न ए ब्लाइंड आई। तो इसके ऊपर आई थिंक हुकूमत को और ज्यादा एफर्ट करनी चाहिए। मैंने फॉरन ऑफिस के अंदर एक डिस्कशन हुई है, मुझे भी बुलाया था, तो मैंने उनको कहा कि आपने एनवाइज भेजने थे, प्राइम मिनिस्टर को भी जाके वन ऑन वन फेस टू फेस बात करें मुख्तलिफ ताकतों को, और कश्मीर के ऊपर जाके एक एंडेवर करें। अभी मैं आज ही पढ़ रहा था कि जो मैडम शीरी मजारी है, जो इस हुकूमत की एक मिनिस्टर भी है, वो कह रही थी कि हमारे फॉरन ऑफिस ने वो काम नहीं किया जो करना चाहिए था, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? तो हुकूमतों को भी चाहिए कि वो अपनी एफर्ट करें, और खसूसन ये तो अभी जो मोदी ने किया है, ये तो 70 साल तारीख में पहले नहीं हुआ, ये तो इसी हुकूमत के दौर में हुआ है, और अगर इस हुकूमत के दौर में हुआ है तो इस हुकूमत को इसका आगे से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपनी एफर्ट्स को तो बढ़ाया जाए। तो आई एम श्योर कि इसके ऊपर सेमिनार भी हो रहे हैं, बैन अक्वामी सतह के ऊपर भी गुफ्तगू हो रही है, आप UNO के अंदर भी ये लोग गए हैं, लेकिन ये लोग जब वो हमारे बालाकोट पे हमला आवर हुआ इंडिया, तो उस वक्त ये इनको चाहिए था कि यूनाइटेड नेशन में जाते, ये यूनाइटेड नेशन के चार्टर की वायलेशन है कि आप किसी मुल्क की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर हमलावर नहीं हो सकते। तो चूंकि ये हुए और ये उस पे नहीं गए, ये उस पे गए हैं कि मोदी ने 370 क्यों लगाया है, वो एक अलग बात है, लेकिन ये बैन अक्वामी बॉर्डर्स को क्रॉस करके एक सेटल्ड एरिया के अंदर गोले बरसाना, ये किसी लिहाज से भी जायज नहीं था, और इसको ये हमारा फॉरन ऑफिस टेकअप नहीं कर सका। जनरल साहब, ये बात तो तय है कि सेमिनारों के साथ मसला कश्मीर हल होने वाला नहीं है, क्या आप समझते हैं मौजूदा हालात को देखते हुए कि अक्वामे मुत्तहिदा अपनी जिम्मेदारियां बहसन अदा कर रहा है? देखिए, अक्वामे मुत्तहिदा जो है ना, वो तो एक तफैली अदारा बन गया है बड़ी ताकतों का। जब पहली जंग अजीम हुई थी, जोरदार और लोग में अजल बने थे, तो लीग ऑफ नेशन बनी थी, लेकिन जब लीग ऑफ नेशन भी फेल हो गई और उसके नतीजे में दूसरी जंगे अजीम लड़ी गई, मिलियंस ऑफ पीपल उसमें हलाक हो गए, तो फिर ये यूनाइटेड नेशन बनाई गई कि ये कॉन्फ्लिक्ट, इसका जो मेन मकासद है वो दो तीन है, नंबर वन है पीस कीपिंग, नंबर टू है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, और नंबर थ्री है रिफ्यूजीज के इश्यूज को सॉल्व करना। आप ये देखिए कि इन्होंने क्या किया है आज तक, तो यूनाइटेड नेशन तो जो है वो बिल्कुल एक यूजलेस इंस्टीट्यूशन बन चुका है, और इसकी रीऑर्गेनाइजेशन होनी जरूरी है। अगर यूनाइटेड नेशन जोरदार होती तो अपने रेजोल्यूशन जो पैलेस्टाइन के ऊपर भी है, जो कश्मीर के ऊपर भी है, उनके ऊपर अमल कराते, लेकिन इन्होंने अमल उसके ऊपर नहीं कराया। तो जनरल साहब, ऐसे हालात में जो सूरत हाल आपने बयान की है, आपने हमें गाइड किया है कि अक्वामे मुत्तहिदा का किरदार क्या है, ऐसे हालात के अंदर अक्वामे मुत्तहिदा का मेंबर रहने से क्या पाकिस्तान को कोई फायदा हो सकता है, या पाकिस्तान को क्विट कर जाना चाहिए, अक्वामे मुत्तहिदा का चेहरा अक्वामे आलम को दिखाना चाहिए कि यह अदारा जिसके अंदर तमाम अक्वाम के ममालिक शामिल हैं, लेकिन यहां पर सुनाई सिर्फ उन ममालिक की है जिनके पास ताकत है, जो गरीब ममालिक हैं, जो मफतूहा ममालिक हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है? देखिए, अक्वामे मुत्तहिदा जो है ना, इसके अंदर वो जो डेमोक्रेटिक रूह है वो तो है ही नहीं, क्योंकि 5 मुल्कों के पास वीटो की पार है, अगर बाकी 100 मेंबर भी कुछ कह दें तो ये वीटो कर देते हैं और तबाही और बर्बादी हो जाती है। लेकिन आफ्टर हैविंग सेड दैट, मैं ये कहूंगा
कि अक्वामे मुत्तहिदा की मेंबरशिप से इस्तीफा देना जायज ठीक काम नहीं होगा, बल्कि ये ज्यादा जरूरी है कि अक्वामे मुत्तहिदा के जितने मेंबर्स हैं, मसलन अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर बहुत से मेंबर्स हैं, मुस्लिम दुनिया में हैं, यूरोप में हैं, उनके साथ इंडिविजुअली हम अपने केस को एक्सप्लेन करें कश्मीर के को, और जनरल असेंबली के अंदर जब आए ये चीज तो वहां उनके रेजोल्यूशन हो जिससे इनके ऊपर प्रेशर। तो जनरल साहब, अगर ये कहा जाए कि अक्वामे मुत्तहिदा एक मार्केटिंग का अदारा बन गया है, आप जिसकी मार्केटिंग बेहतर होगी वो रिजल्ट ले लेगा, यहाँ पर राइट्स की लड़ाई नहीं है, यहाँ हक की लड़ाई नहीं है, यहाँ ये नहीं देखा जाता जुल्म किसके साथ हो रहा है। 128 दिन थोड़े दिन नहीं होते, बच्चों के पास दूध नहीं है, बड़ों के पास खुराक नहीं है, मरीजों के पास अद्वियात नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, अक्वामे आलम के साथ रابطे मुनकता हैं, तो फिर तो अक्वामे मुत्तहिदा को हम एक मार्केटिंग का इदारा समझ लें। बिल्कुल ठीक है। देखिए ये बहुत हम रिपीट नहीं कहते हैं, ये पीछे एक स्पीकर की कॉन्फ्रेंस थी वहां पर के सदर थे, जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि कश्मीर के हवाले से अक्वामे मुत्तहिदा क्या कर रहा है, कश्मीर के इशू के ऊपर गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही थी कश्मीरियों की, बात हो रही है मकबूजा कश्मीर की, बात हो रही है पाकिस्तान की शाहराख की, पाकिस्तान की सफारतकारी दुरुस्त अंदाज के अंदर चल रही है, अक़वामे मुत्तहिदा का क्या किरदार है, इन इश्यूज़ के ऊपर बात की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ साबिक सफीर जहांगीर अशरफ काजी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका नुक्ता नज़र इस हवाले से क्या है। काजी साहब वेलकम टू द शो। शुक्रिया जी, बहुत बहुत आपने बुलाया। काजी साहब, आप समझते हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अपनी दुरुस्त सिमत के अंदर चल रही है या कोई कमी कब जो है वो मौजूद है ताहाल? देखिए, हमारी सिफारती कोशिशें तो जारी हैं और किसी हद तक कामयाब भी रही हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के जो अकदाम जो उन्होंने लिए हैं अगस्त 5 पे और उसके बाद, उस पर काफी नुक्ताचीनी हो रही है इंटरनेशनल सर्कल्स में, तो उस हद तक तो हमारी कामयाबी हुई है और हिंदुस्तान को बैकफुट पे हमने किया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं समझता हूँ कि हमारे फॉरेन ऑफिस की तारीफ होनी चाहिए, उनको दाद देनी चाहिए, लेकिन सिफारतकारी से शायद काम नहीं बनेगा, क्योंकि हिंदुस्तान ने जो अकदाम लिए हैं बहुत यानी कि खतीर ये अकदाम हैं और वो उसे वापस लेने के लिए बिल्कुल फिलहाल तैयारी नहीं है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से अगर मजम्मत तो हो रही है या नुक्ताचीनी हो रही है, लेकिन फिर भी वो उस किस्म की वो दबाव नहीं डाल रहा हिंदुस्तान पे जिससे वो मजबूर हो अपनी पॉलिसी पे नजर सानी करने के लिए, तो इसकी बहुत ज़रूरत है। और फिलहाल हमें सूरत हाल का इल्म भी नहीं है कि वहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन किस पैमाने पर हो रहा है। कुछ लोग समझते हैं कि ये ऐसी सूरत हाल है कि ये नस्ल कुशी की तरफ भी जा सकता है, और अगर ये सच है तो फिर सवाल उठता है कि पाकिस्तान की क्या पॉलिसी होगी अगर ये नस्ल कुशी की तरफ ये सूरत हाल जाती है, क्या पाकिस्तान क्या इकदाम। काजी साहब, आप एक कामयाब सफारतकार हैं, भारत के अंदर भी आपने सफारतकारी की है, आप ये कहते हैं कि शायद ये मामला सफारतकारी से हल ना हो सके, अगर सफारतकारी से ये मामला हल नहीं होता तो फिर दूसरा रास्ता क्या है, वो रास्ता भी तो समझाइए। रास्ता तो यही है कि सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से भी कुछ वो इकदाम की जरूरत है, क्योंकि ये इमरजेंसी है, यहाँ यानी कि कशीदगी जो है बढ़ रही है और ये इसमें वो ब्रेक डाउन ऑफ पीस भी मुमकिन है, और इंडिया और पाकिस्तान दोनों जौहरी ताकतें हैं, तो ये तो यानी कि बहुत वाज़ह है कि इसके जो वर्स्ट केस सिनारियो है वो तो बहुत ज्यादा गंभीर है और दुनिया के लिए मसला बन सकता है, बहुत यानी एग्जिस्टेंशियल मसला बन सकता है, यानी एग्जिस्ट और मौत का मसला भी बन सकता है, क्योंकि जौहरी ताकत तो आप जानते हैं कि वो क्या चीज है। तो ये बहुत जरूरी है, पाकिस्तान को वाजे करना चाहिए कि वो हर कोशिश करेगा एक पुरामन हल के लिए, बहुत ये यानी कि सर फहरिस्त हमारी कोशिश है, लेकिन अगर हिंदुस्तान बजिद है और नौबत वहां नस्लकुशी तक पहुंचती है तो फिर पाकिस्तान तो वो इकदाम उठाएगा अपने कश्मीरी भाई बहन को बचाने के लिए, और हिंदुस्तान की तरफ से जो रद्दमल होगा
तो उसको मद्देनजर रखते हुए इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी इकदाम लेने की बहुत जरूरत है, इसके ऊपर बात हमें वो एम्फोसाइज करना चाहिए। खादी साहब, आपने कहा कि हमारी सफारतकारी दुरुस्त सिमत के अंदर जा रही है, अगर दुरुस्त सिमत के अंदर हमारी सफारतकारी जा रही है तो ओआईसी खामोश क्यों है? अकवामे मुत्तहिदा की जबान पर फालिज क्यों गिरा हुआ है? क्यों आलमी अदारे, इस्लामी तंजीमों के अदारे पाकिस्तान के हक में, कश्मीरियों के हक में बात नहीं करते? छोटी मोटी करारदादें अगर ज़ैली अदारे पास कर भी देते हैं तो उन करारदादों का कोई फायदा नहीं होता। देखिए, जबानी जमा खर्च तो वो रेजोल्यूशन वगैरह स्टेटमेंट तो वो देते रहते हैं, सब ने नहीं दिए हैं लेकिन कुछ ने दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और ओआईसी ने भी दिए हैं, लेकिन वो जो है अमली इकदाम लेने के लिए इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान के साथ उनके बड़े ताल्लुकात हैं, इकोनॉमिक ताल्लुकात है, हिंदुस्तान एक बड़ी इकोनॉमिक ताकत है, वो इन्वेस्ट कर सकता है, और अंबानी और अदानी जैसे लोग हैं उनके जो बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कर रहे हैं वो आरामको में, और ये दूसरे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं अरब ममालिक में, तो उसका फिर वो फर्क पड़ता है, और वो पाकिस्तान की हिमायत तो करते हैं लेकिन जबानी लेवल पे अमलन खैर वो ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं ना वो करना चाहते हैं, ये एक हकीकत है जिसको हमें सामने रखना होगा। इसी तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो उनके भी ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ बहुत गहरे हैं कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मंडी है, बहुत बड़ी ताकत वो यानी कि स्ट्रेटेजिकली अहम कंट्री है, और ये जो बड़े पैमाने में ईस्ट और वेस्ट का जो हो रहा है कॉम्पिटिशन यानी चाइना वर्सेस अमेरिका में, उसमें हिंदुस्तान का रोल भी काफी इस इलाके में काफी अहम है, तो इन वजूहात की बिना पर वो ज्यादा इकदाम नहीं ले रहे हिंदुस्तान के। फिलहाल मजम्मत तो उन्होंने की है, क्रिटिसिज्म की है, अमेरिकन सेनेट ने भी कुछ इकदाम लिए हैं, लेकिन वो तो सिर्फ क्रिटिसिज्म है, वो एक्टिव स्टेप्स लेने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की अपनी कोशिश वो जारी रखेंगे, और हमें हमारी ये कोशिश होगी कि अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर वहाँ बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन यानी कि सामने आ सकता है, तो इसलिए ये कोशिश हमने जारी रखनी है। जंग से कोई चीज हल नहीं होता है, लेकिन अगर नस्ल कुशी तक वो नौबत पहुंचती है तो फिर पाकिस्तान के ऊपर बहुत दबाव आएगा अपने पाकिस्तानियों की तरफ से, अपने कश्मीरी भाइयों की तरफ से, एलओसी की तरफ से। हम भी जंग के हरगिज हामी नहीं है, हम भी नहीं चाहते कि जंग हो, क्योंकि जंगें सिर्फ खून बहाती हैं, मसाइल का हल नहीं हुआ करती, लेकिन अब जो सूरत हाल है कश्मीर के अंदर, मुसलसल नस्ल कुशी की जा रही है, अक्वाम मुत्तहिदा की रिपोर्टों के अंदर भी ये इशारे मिलते हैं कि नस्ल कुशी भारत कर रहा है कश्मीरियों की, ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर पाकिस्तान कोई हतमी कदम नहीं उठाता तो कश्मीर के रहने वाले, कश्मीर के असल मालिक, कश्मीर के बासी पाकिस्तान के बारे में क्या सोचेंगे? ये तो आपने बहुत गहरा और बहुत अहम सवाल उठाया जिसका अब तक हमें वाजे जवाब नहीं मिला है। अब फिलहाल पाकिस्तान की तो ये है, कहना हमारा ये है कि हम आखिरी यानी कि कतरे खून और आखिरी सांस तक हम उनके साथ हैं, और ये सच भी है, हम कोई ऐसे ऐसे तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन इकदाम की वजह यानी कि अगर पाकिस्तान को भी अपने इमेज का भी ख्याल रखना होगा, अगर लोग कहेंगे भले तुम जंगजू लोग हो और तुम फॉरन मतलब वो जंग की बात करते हो तो उसका भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सच है, अगर नौबत वहां तक पहुंचती है पाकिस्तान को इवन अलोन कुछ इकदाम ऐसे लेने पड़ेंगे जिससे दबाव इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर आ जाएगा कि हमें हिंदुस्तान को मजबूर हो करना होगा, नहीं तो यहाँ कोई ऐसे ये जौहरी जंग भी छिड़ सकता है। ये मैसेज हमें वाजे करना होगा और दुनिया को पहुंचाना, हमें ये पहुंचाना हमारा फर्ज है, ये नहीं कि हम जंगजू हैं, लेकिन अपने कश्मीरी भाइयों को यानी कि नस्ल खुशी से बचाने के लिए हम हर कदम ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब आपका। वाकईतन हम जंगजू नहीं है, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अपने कश्मीरी भाइयों को बचाने के लिए, नस्ल कुशी रुकवाने के लिए पाकिस्तान को फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। ये आवाज पूरी पाकिस्तानी कौम की आवाज है, और पाकिस्तानी कौम चाहती है कि उसकी आवाज को रियासत पाकिस्तान एड्रेस करे, रियासत पाकिस्तान उस आवाज के ऊपर अमल दरामद करे, क्योंकि कश्मीरियों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो अब किसी से ढका छुपा नहीं, अकवाम आलम वो मजाक में देख रही है, लेकिन एक बेहिस तमाशाई की तरह उनकी जबानें खामोश और आंखें रक्षा नजर आती हैं। हमारे साथ इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी भी मौजूद हैं। नईम साहब, वेलकम टू द शो।
जी थैंक यू वेरी मच जी। नईम साहब, आपकी नजर के क्या हल है कश्मीर का? किस तरह कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत दिलवाया जाए, किस तरह नस्ल कशी रुकवाई जाए, किस तरह 128 दिन के कर्फ्यू को रुकवाया जाए? देखिए जी, बात यह है कि मेरी नजर में हल बजाय इसके कि मैं अपना नजरिया पेश करूं, क्यों ना आपको मैं तारीख आपके सामने रख दूं और आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि किसी भी चीज का हल कैसे होता है। आपके सामने है कि सीरिया में एक बहुत बड़ा मार्का, उसके बाद आखिरकार उसका हल निकल आया। इराक में मसला पैदा हुआ, उसका हल निकल आया। यमन में आपने देखा कि अब हल की तरफ बात जा रही है। अफगानिस्तान में आपने देखा कि अब बात हल की तरफ जा रही है। तो और मैं आपसे सवाल करूं कि इन सब चीजों का हल कैसे निकला? मेरे भाई, बात यह है, नंबर एक, हम शोर मचा रहे हैं कि दुनिया का जमीर सो रहा है। दुनिया का जमीर होता ही नहीं। ये किसने हमें बता दिया कि दुनिया कोई बाजमीर जगह है? दुनिया अपने इंटरेस्ट, हम एक एक जुबान से कह रहे हैं कि दुनिया अपने इंटरेस्ट को लुकाफ्टर कहती है, उसी साथ में कह देते हैं जी दुनिया का जमीर कहाँ सोया हुआ है। दुनिया ने जो आपके लिए करना था कर दिया, और बहुत किया है, और मैं बहुत शाबाश देता हूँ अपनी फॉरन ऑफिस को कि उन्होंने एक चीज इस तरीके से उजागर की, गो के गलती ठीक है मोदी की थी, वो इंटरनेशनलाइज होगी। दुनिया अभी आपके दो मदद कर सकती है, नंबर एक कि जो वहां पर हुर्रियत के लिए जो जो ये कर्फ्यू उठेगा, जो चलेगी तहरीक, उसको दुनिया आप टेररिज्म नहीं कहेगी, इसलिए कि आपने एक बात को उनको पहचान करवा दी है। दूसरी बात कि जब वो पाकिस्तान को दोष का को नहीं देंगे, कोई भी इस किस्म का बात करेंगे कि जी पाकिस्तान की वजह से वहां पर तहरीक उठ रही है, दुनिया यही कर सकती थी। उसके बाद जो कुछ करना है कश्मीरियों ने करना है, पाकिस्तान ने करना है। अब ये है पाकिस्तान कि के राइट के ऊपर क्या है, पाकिस्तान को क्या किरदार अदा करना चाहिए? हमने दस्तक दे दी अकवामे आलम पर, हमने दस्तक दे दी ओआईसी के लिए, हमने मुल्क मुल्क जाकर दस्तक दी है। शायद हमारी आवाज के अंदर तासीर नहीं, हमारी बात के अंदर दम नहीं, और अगर दम है तो फिर अमल क्यों नहीं? लेकिन अब आपके नजदीक सफारतकारी के अलावा भी कोई हल है, और वो हल क्या हो सकता है? जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान जो दस्तक दे रहा है, जो जगह जगह जा रहा है, ऐसे दरवाजे खटखटाने से तो कोई मसाइल हल नहीं होते। मैं अभी आपको लिस्ट भी देता हूँ, आप ये जानना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान और करे क्या। देखिए, क्या सफारतकारी अकेली कोई काम कर सकती है? कतन नहीं। ये जो मैंने आपको भी मसाले दी अभी आपके से पहले शुरू में, तो क्या यहाँ सफारतकारी ने काम किया? काम किसी और ने किया, सफारतकारी आखिर में हुई। अभी आप सुन लीजिए कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। सबसे पहले पाकिस्तान पोलिटिकल फील्ड में क्या कर सकता है? पाकिस्तान पॉलिटिकल फील्ड में नंबर वन ये कर सकता है कि मनसूख करे शिमला अग्रीमेंट को, और कहे कि ये उन्होंने असल में मनसूख किया, प्रैक्टिकली हम सिर्फ इसको एक फॉर्मलाइज कर रहे हैं। इसके फायदे क्या होंगे वो अलग हम बहस करेंगे, उसकी लंबी बहस में मैं नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नईम खालिद लोधी, आपने हमें बताया कि पाकिस्तान का किरदार क्या होना चाहिए। हमारे साथ एक और मायना सियासतदान और साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका ताल्लुक है। उनसे जान लेते हैं कि सफारतकारी दुरुस्त सनद के अंदर जा रही है तो किस तरह, और अगर नहीं तो हमें क्या करना चाहिए। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू कसूरी साहब, आप समझते हैं कि पाकिस्तान की सफारतकारी कश्मीर के हवाले से दुरुस्त सनद के अंदर जा रही है, और अगर नहीं तो हमें क्या इकदाम उठाने की जरूरत है? की समझ लेनी चाहिए कि कश्मीर का जो मसला है वो दीनी तरीके ना, और तो कुछ नहीं है। एक तो जंग के जरिए हो जाए, जंग में एक पार्टी हारती है जीतती है, अगर हार जीत भी हो जाए तब भी कुछ भी नहीं होगा, माजी की तारीख बताती है कि फिर भी टेबल पे आना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान भारत तकरीबन 10 मवाके ऐसे हैं, 10, उनमें से 4 तो खुली जंग थी, 48, 65, 71 और 99, ये जो कारगिल की थी, और 6 ऐसे मवाके थे, एक वजीर खारजा था, 1 मिलियन सोल्जर आमने सामने खड़े हुए थे 11 महीने, और फौजें वापस चली गई भारत की, उनको अंदाजा हो गया और पाकिस्तान को भी था कि जंग के जरिए तो कुछ भी नहीं हल होगा। और जंग में किसी भारत अगर ये जोम है कि बड़ा मुल्क है, उसको भी अंदाजा हो गया कि वो मिलिटरली पाकिस्तान के ऊपर सबकत हासिल नहीं कर सकता। तो इसका मसला
मतलब क्या है? मतलब ये कि इसका मल जंग से तो हो ही नहीं सकता, अगर होना होता तो हो गया होता, जितनी भी जंग आजमाई नहीं गई, आजमाई भी गई है, तो होना तो सफारतकारी से है। और सफारतकारी का मतलब ही आम फहम डिप्लोमेसी है, इंटरनेशनल रिलेशन है, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन थ्री एस्पेक्ट है। एक तो होती है स्ट्रेट फॉरवर्ड डिप्लोमेसी, जो कि हमारे दफ्तर खारजा करता है, कि वो करता रहा है और करता रहेगा। दूसरा यह है कि जो प्रोएक्टिविटी हमें मजीद दिखानी पड़ेगी, कि हमें इसको और लोगों को भी इसमें शामिल करना पड़ेगा। आज के दौर में सॉफ्ट पावर जो है उसकी बड़ी ताकत है। मसलन हमारे जो एकेडमिक्स हैं, हमारे मीडिया के लोग हैं, हमारे म्यूजिक से ताल्लुक लोग हैं, हमारे जो ये जो रिटायर्ड डिप्लोमेट्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, रिटायर्ड डिप्लोमेट, रिटायर्ड जो हमारे ऐसे लोग हैं जिनको दुनिया में पहचाना जाता है, हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मैनेज करे कि मुख्तलिफ ममालिक में उनको भेजा जाए, और भेजने से पहले को सैर के लिए तो नहीं भेजना। मैं बात कर रहा हूँ नॉन ऑफिशियल की, ऑफिशियल तो गवर्नमेंट पाकिस्तान भी कर रही है, फॉरन ऑफिस भी करता है और करता रहेगा। ऑपोजिशन वाले हमेशा ये कहेंगे कि ये तो काफी नहीं है, गवर्नमेंट वाले कहेंगे हमने बहुत ज्यादा कर दिया है। तो उस बहस को छोड़ते हुए हमें इसमें प्रोएक्टिव भी होना पड़ेगा, फिर हमारे अपनी जो पार्लियामेंट है उसका रोल हमें ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। वो किस तरह कि पार्लियामेंट जो है उनको एक एडवांटेज होता है, पार्लियामेंटेरियंस को दुनिया की दीगर पार्लियामेंट से उनके ताल्लुक होता है और उनको ऑटोमेटिकली रिसीव किया जाता है, उनका एक खास रोल होता है। खासतौर पर दुनिया के जो बड़े मुल्क हैं, अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, जिनकी यहाँ जमहूरियतें हैं, वहाँ ह्यूमन राइट्स की जो बॉडीज है, पार्लियामेंट की मैं बात कर रहा हूँ, वो बड़ी मजबूत होती है। और वहाँ अगर हुकूमत वक्त जो है किसी मुल्क की वो प्रैग्मेटिकली ये सोचे कि जी नहीं, हमारा तो भारत से कारोबार बड़ा है वगैरह वगैरह, ये भारत बहुत बड़ा मुल्क है, ट्रेड हमारे सफर करेगा, लेकिन ह्यूमन राइट की बॉडीज हैं मुख्तलिफ पार्लियामेंट में, वो इतने बाला सोचती हैं। इसी तरह जो मीडिया का इंटरेक्शन है, उससे पाकिस्तान के टॉप के जो मीडिया पर्सनैलिटीज जा सकती हैं, 11 ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को भेजा जा सकता है वहां, ये आपको कोई रातों रात मामला हल हो रहा नहीं, ये कोई 2020 का मैच नहीं है। एक बात मैं सर्टन हूं, जिस लहज पे कश्मीर की तहरीक आजादी पहुंची है, जिस लहज पे बेजारी पहुंच गई है कश्मीरियों की आफ्टर जो रिसेंट एक्शन जो इनके हैं, कश्मीर को भारत हड़प नहीं कर सकेगा, ये ठीक है। हजूर साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये 2020 का मैच नहीं है, एक लॉन्ग टर्म है मामला, लेकिन 72 साल हो चुके हैं इस मामले को, 128 दिन से कश्मीरी कर्फ्यू की हालत के अंदर हैं, फिर भी हम ये कहें कि ये मामला 2020 का नहीं है, इट्स 72 years। इसलिए कह रहा हूँ 72 years है, फलस्तीन का मसला भी इतना ही लंबा है। और अगर दुनिया सिर्फ चलती इस बुनियाद पर कि इंसाफ के क्या तकाजे हैं, तो हम एक और दुनिया में रह रहे होते हैं, ये वो दुनिया नहीं है, हम एक प्रैक्टिकल दुनिया में रह रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि अब हम हाथ पांव फूल जाए और हम कहें हम कुछ नहीं कर, हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा और कश्मीरी भाइयों का साथ देना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि कोई छू मंतर नहीं है जिसमें आप कर लें। आज दुनिया की जो बड़ी ताकतें, तो पहले इंटरनेशनल डिप्लोमेसी फुल स्पीड में तब मूव करती है जब पांचों परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के किसी चीज पे एग्री कर जाए, बड़ा रेयर है, नहीं तो वो ना एग्री करें तो कुछ भी नहीं होता। तो वो पांच मेंबर जब हजूर साहब, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जब 128 दिन पहले पहले दिन कर्फ्यू लगाया गया था, जब भारत ने कश्मीर को अपना हिस्सा डिक्लेयर किया था, उस दिन आपकी और मेरी टेलीफोन के ऊपर बात हुई थी, उस दिन भी आपने ये कहा था कि पार्लियामेंट के वफूद बना के दीगर ममालिक के अंदर भेजे जाएं। उसके बाद आप ही की आवाज को जो है बाकी पॉलिटिशियंस ने भी उठाया, उन्होंने कहा कि यह बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसी अंदाज के अंदर और इसी सिमत के अंदर काम होना चाहिए, लेकिन आपकी हुकूमत मौजूद है, उसने किसी एक पार्लियामेंटेरियन को भी किसी दूसरे मुल्क के अंदर नहीं भेजा कि कश्मीर का पैगाम, कश्मीरियों का पैगाम लेकर उन ममालिक के अंदर जाए और उनको बताए कि कश्मीरी क्या चाहते हैं। राय वो तब्दील नहीं होती, और किसी भी मुझे याद नहीं कि हमने इस बात से बात की, आपको याद है, लेकिन मुझे खुशकिस्मती यह है कि जब मैं बात करूं उससे हटता नहीं हूं। अभी भी मेरी राय है ये सारी कौम का मसला है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट का नहीं है।
और इस पे हमें वाला होना पड़ेगा और ये हुकूमत को करना चाहिए। पहली बात तो ये है। और ये मैंने आपको कहा कि ये अप्रोच जो है ना, ये हमें बहुत वाइडन करनी पड़ेगी। डिप्लोमेसी चलती रहेगी लेकिन कश्मीर का जो मैं समझता हूँ, अगर किसी का ये ख्याल है कि पाकिस्तान ने हासिल कुछ नहीं किया, तो मैं आपको बता देता हूँ हासिल क्या किया है। जो भारत ने एक तो जो उसका फांडा फोड़ा गया है कि जो दुनिया की बड़ी जमहूरियत है, जो उनका चेहरा दिखाया गया नरेंद्र मोदी साहब का, वो कोई उसका असर हो रहा है। अभी न्यूयॉर्कर मैगजीन और वॉशिंगटन पोस्ट, इसमें जो रिसेंटली जो बहुत बड़े बड़े लिखने वाले हैं, एक मैक्स बूट है, एक और है, उन्होंने भारत के ऊपर जिस किस्म के इल्जाम लगाए हैं, ये अनथिंकेबल था कि वेस्टर्न मीडिया में जिसको कहा जा रहा था जी कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, उसपे बहुत भारी उंगलियां उठ रही हैं। भारत को उसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है। मैं आपको कहता हूँ छू मंतर नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि मसला हल एकदम हो जाएगा। भारत की जितनी कीमत बढ़ेगी उतना उसको रिटेन करना कश्मीर को मौजूदा स्टेट में मुश्किल होगा। हल एक है, वो है डायलॉग। डायलॉग भी इस किस्म का जिसमें कश्मीरियों के जो बुनियादी मफादात हैं उनको मद्दे नजर रखा जाए। आफ्टर ऑल हमने जो डील किया था, मैंने तो दोनों बीजेपी और कांग्रेस गवर्नमेंट से किया है, वाजपेयी और मनमोहन सिंह की हुकूमत से, तो एक बीजेपी थी और वो भी आरएसएस से ताल्लुक रखते थे वाजपेयी साहब। हुजूर साहब, एक और तबका भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, वो ये कहता है कि अब मामला मुजम्मत से नहीं बल्कि मुरम्मत से हल होगा। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है बतौर एक पॉलिटिशियन, बतौर एक पाकिस्तानी और बतौर एक सफारतकार? मैं आपको दे चुका हूँ पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर वो मरम्मत जिसका आप इशारा कर रहे हैं, 10 मरतबा तो हम जंग के करीब हैं और 4 मरतबा हम लड़ भी चुके हैं, 6 मरतबा जंग के करीब थे, तो या तो कोई रास्ता बता दे, रास्ता है कोई नहीं। वो एक कहना अगर कुछ पड़ जाए आप किस जगह पे और आपको समझ ना आए तो आप ये दलील दे सकते हैं कि यानी 5 है, इसमें कोई फहम फरासत नहीं है कि अभी वह लड़ ले वो हो जाएगा। भाई इतना हो सा कि क्या ख्याल है कि पाकिस्तान ने लड़ाइया नहीं की? पाकिस्तान तो कीमत भी बड़ी अदा की है। ये कई लोग कहते हैं पाकिस्तान ने कोई कीमत अदा नहीं की, पाकिस्तान की सफारतकारी कमजोर थी, पाकिस्तान के वकील कमजोर थे। क्या भुट्टो कमजोर वकील थे? क्या जफरुल्ला खान कमजोर थे? क्या अहमद कमजोर थे? मैं अपना जिक्र भी नहीं करता। भाई जो लोग थे उन्होंने जो अपना बेस्ट किया है, लेकिन इंसाफ पर ये दुनिया ना मुख्तलिफ ममालिक के अंदरून हमारे अपने मुल्क में तो मिसाली इंसाफ पे तो नहीं हमारी सोसाइटी का है। इसी का रिफ्लेक्शन इंटरनेशनल कम्युनिटी है। अनफॉर्चुनेटली ये बातें को मानना पड़ता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम ये समझें कि कश्मीर में जो हमने किया बिल्कुल जाया हो गया। नहीं, कश्मीर में भारत को कीमत अदा करनी पड़ रही है, भारत के अंदर से भी आवाज उठ रही है। ये जब भारत पे प्रेशर पड़ेगा अंदरूनी और बैरूनी, तो आप देखेंगे अभी ऐसे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी छा गए हैं, तो पता नहीं 200 साल के लिए तो नहीं आए। भाई अभी रिसेंट इलेक्शन हुए महाराष्ट्र में और वहाँ दूसरा जो है ये इधर हरियाणा में, तो वो इलेक्शन के रिजल्ट तो नहीं आ रहा जो लोगों की तवक्को थी। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद महमूद कसूरी हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना यह था कि सफारतकारी ही मसला है कश्मीर का वाहिद हल है, लेकिन दूसरी जानब वो ये कहते हुए भी नजर आए कि ये वो दुनिया नहीं है जहां पर इंसाफ पर मबनी फैसले किए जाते हैं। अगर इंसाफ पर मबनी फैसले नहीं हैं तो फिर क्या सफारतकारी काम आएगी, और अगर सफारतकारी नाकाम होती है तो फिर इसका हल क्या है? क्या वो तबका जो पाकिस्तान के अंदर ये कहता है कि कश्मीर मुजम्मत से नहीं मुरम्मत से आज़ाद होगा, क्या वो दुरुस्त है, या फिर यह नुकता नजर दुरुस्त है कि सफारतकारी को मजीद आगे बढ़ाने की जरूरत है? आने वाला वक्त यह साबित जरूर करेगा, क्योंकि कश्मीरियों को आजादी तो मिलनी है, यह मेरा यकीन भी है और मेरा ईमान भी। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद कुछ जुर्म की कहानी हमारे पास और मौजूद है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जराइम की कई इकसाम हैं, कुछ हार्डकोर क्राइम होते हैं, कुछ इखलाकी जुर्म, कुछ मुआशरती जुर्म और कुछ मुआशी जुर्म होते हैं। पाकिस्तान के अंदर पहली मर्तबा ऑरेंज लाइन ट्रेन का आगाज कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून का ये प्रोजेक्ट था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब्दीली वाली हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट को जो है वो शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट की क्या खदोखाल हैं, क्या इसके अंदर खामियां हैं, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर उमर बाबर स्टूडियोज के अंदर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी उमर बाबर, क्या खदोखाल हैं और क्या कोताहियां आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर नजर आती हैं?
ओरिन ट्रेन को जो है वो चलाया गया है। और अगर देखा जाए कि ओरिन ट्रेन शुरू दिन से ही इस पर ना सिर्फ बहस मुबासे होते रहे हैं, बल्कि ये भी कहा जाता रहा है कि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट है, और इसकी ऊपर जो लागत है उसमें भी काफ़ी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। प्रोजेक्ट ये जी बिल्कुल, और काफ़ी ज़्यादा इसमें चूंकि प्रोजेक्ट लेट हो गया, इस वजह से इसके ऊपर जो लागत है उसमें भी इजाफा हुआ है। लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हुई है उसमें ये है कि लेस्को से जो बिजली मंजूर करवाई गई है और इन ट्रेन के लिए 108 मेगावाट का लोड जो है वो मंजूर करवाया गया है लेस्को से। और ये दो पावर स्टेशन हैं जिनमें UET पावर स्टेशन और इसी तरह मुल्तान पावर स्टेशन जो है यहाँ से बिजली जो है वो मुहैया की जाएगी। और 54.54 मेगावाट बिजली जो है ये दोनों पावर स्टेशन को 4 सर्किट्स के जरिए जो है वो मुहैया की जाएगी। और इसमें 132 केवी के जो हैं ये चारों सर्किट्स होंगे। और इस हवाले से अगर हम जब बात करते हैं बिजली की, तो 108 मेगावाट बिजली की जो लागत बनती है, यानी कि कुल कितने यूनिट्स जो हैं वो इसमें सर्फ होंगे, तो 7,70,60 यूनिट जो हैं वो इसमें सर्फ होंगे, जिसकी महाना अगर हम कीमत बनाते हैं तो वो 11,10,00,00,000 रुपए की, यानी कि बिजली की मद में जाएंगे। यही वजह है कि तो बात क्या है इसमें, कौन सी ऐसी बड़ी बात है? दुनिया के अंदर जब ऐसी ट्रेन्स चलती हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उनके ऊपर लागत भी आती है, बिजली भी खर्च की जाती है, फिर ये प्रोजेक्ट्स अपनी लागत पूरी भी करते हैं। जाहिर है यहां पर सब्सिडी देनी पड़ेगी, और सब्सिडी भी इसके हवाले से अगर दी जाए तो प्रॉब्लम कहां पर आपको फील होता है, कहां पर आपको ये महसूस होता है कि कोई मुआशरती जुर्म या इखलाकी जुर्म हुआ? नहीं राय साहब, यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा काबिल गौर चीज़ जो है वो ये है कि जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं तब जो लेस्को को मिलने वाला उसका कोटा है वो कम पड़ जाता है, तलब और रसद में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। अगर हम इस मेगावाट को किलोवाट में लेते हैं, तो अगर एक शहरी जो है वो 1 किलोवाट के मीटर के लिए अप्लाई करता है तो 108 मेगावाट यानी कि एक मेगावाट में 1,000 किलोवाट होते हैं। इस तरह 1.5 लाख के करीब शहरियों की जो बिजली है वो सिर्फ ओरिन ट्रेन इस्तेमाल करेगी। और दूसरी जानिब जैसे ही यहां पर बिजली की तलब में गर्मियों में इजाफा होगा तो शहरियों को इस हवाले से काफी ज्यादा प्रॉब्लम का शिकार होंगे। और दूसरी जानिब जैसा कि जो लेस्को के साथ मुआहदा हुआ उसमें यह भी कहा गया है कि ओरिन ट्रेन को बिला तातुल जो है वो बिजली फराहम की जाएगी। जबकि दूसरी जानिब बहुत बड़ा इशू नहीं लगता, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत यह कहती रही कि हमने 10,000 मेगावाट बिजली पैदा कर दी है, अब इमरान खान की हुकूमत भी यह कहती है कि बिजली की कमी नहीं है, लेस्को यह कहता है कि बिला तातुल बिजली हम प्रोवाइड कर देंगे, प्रॉब्लम आपको कहां पर नजर आता है? प्रॉब्लम बिलाशुबा जी अभी जो है वो तो जैसे कि 2200 से 2300 मेगावाट जो है वो बिजली की इस वक्त तलब है और उसको पूरा भी किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही गर्मियां होंगी, जैसे कि राय साहब कुछ अर्सा पहले हम रमजान शरीफ में चले जाते हैं, तो तब सहरी और अफतारी की हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। सबसे पहले बुनियादी बात यह है कि बिजली की जनरेशन किस तरह होगी और नेशनल पावर ग्रिड स्टेशन से क्या बिजली ज्यादा जो है वो वहां पर लेस्को का कोटा जो है वो बढ़ाया भी जाएगा। और इसी तरह शहर के अंदर जैसे जैसे मंसूबे लगाए जा रहे हैं वैसे वैसे आबादी में भी इजाफा हो रहा है और इसी तरह तलब में भी होगा, और गर्मियों के अंदर मजीद तलब बढ़ जाएगी, तो उस वक्त इसके ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी जानिब जैसा कि आज साबिक मशीर खजाना सलमान शाह जो हैं उन्होंने भी यह बात कही है कि यह एक महंगा मंसूबा जरूर है लेकिन हम इसको लेकर चलेंगे, और 8 अरब रुपए सालाना जो है वह ओरिन ट्रेन को सब्सिडी की शक्ल में दिया जाएगा। यह साबिक मशीर खजाना जो है उनकी सलमान शाह उन्होंने आज यह बात की है, यानी कि दूसरी जानिब यह भी बताया जा रहा है कि ओरिन ट्रेन को सब्सिडी जरूर दी जाएगी। और एक तरफ अगर हम बात करते हैं बिजली की पैदावार के हवाले से, तो बिजली की पैदावार के जो मंसूबे हैं उनको बेहतर करना होगा। नेशनल ग्रिड स्टेशन जब तक ज्यादा बिजली की फराहमी को यकीनी नहीं बनाएगा, 1.5 लाख सारफीन जो हैं उनकी बिजली जो है वो ओरिन ट्रेन जो है वो इस्तेमाल करेगी, और इस तरह तलब और रसद में जब फर्क होगा तो शहरियों को लामहाला जो है वो उसका अजाला भी भुगतना होगा और बिजली ज्यादा भी जाएगी और आवाम जो है वो उससे काफी हद तक परेशान भी हो सकती है। तो इस सिलसिले में अभी से जो लाहे अमल है वो तय करना पड़ेगा। लाहौरियों को मुबारक हो, ऑरेंज ट्रेन का इफ्तिताह हो चुका है, लेकिन उनको यह भी इल्म होना चाहिए कि इस वक्त सर्दियां हैं और सर्दियों के अंदर भी लोड शेडिंग हो रही है कई इलाकों के अंदर। गर्मियों के अंदर क्या सूरत हाल होगी, हमारे रिपोर्टर का क्लेम दुरुस्त होगा या फिर लेस्को अपने दावे के मुताबिक प्रॉपर बिजली फ्राहम करेगी न सिर्फ ऑरेंज लाइन को बल्कि लाहौर के शहरियों को भी, यह तो आने वाला कल ही बताएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, अपने मेजबान राय स्टैंड को इजाजत दीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए, क्योंकि आप ही तो है पाकिस्तान।